नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एक हेल्थी प्लानट के लिए वेटलैंड्स कैसे क्रूशल होता है एंड आजकल वेटलैंड्स क्या क्या डेंजर्स फेस कर रहा है शुरुआत करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स के बारे में एक ग्लोबल अवेयरनेस फैलाने के लिए सेकेंड फेबरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल फेब्रवरी टू डेट इसलिए चुना था फेबर टू 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन हुआ था रामसार ईरान में इसलिए इस कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन भी बोलते हैं और देखिए इस साल की वर्ल्ड डे का एक सिग्निफिकेंस भी है वो ये है दोस्तों लास्ट ईयर अगस्त 30 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वेटलैंड को कंजर्व करने का इंपॉर्टेंस समझते हुए एक रेसोल्यूशन किया था 75 फाइव में स्टेट्स ने इस रेसोल्यूशन को को स्पॉन्सर भी किया था इसलिए इस साल का वर्ल्ड वेटलैंड डे

फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है पैसे तो खर्च करना पड़ेगा दूसरा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेस भी कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीसरा पोलिटिकल कैपिटल मतलब गवर्नमेंट्स की तरफ से भी काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए अगर आपको वेटलैंड्स को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करना है तो ऑलरेडी कई सारे वेटलैंड्स डिसिप्योर हो चुका है इसे रिस्टोर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए अब दोस्तों वेटलैंड्स का डेफिनेशन क्या होता है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से वेटलैंड्स ऐसा इकोसिस्टम है जहां एनवायरमेंट एंड एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ को कंट्रोल करने वाला प्राइमरी फैक्टर जो है पानी रहता है अब आप बोलोगे ऐसा है तो रिवर लेक ओशन सारे तो वेटलैंड कैटेगरी में आनी चाहिए क्योंकि इन सब में एनवायरमेंट एंड एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ को कंट्रोल करने वाला प्राइमरी फैक्टर तो पानी है है कि नहीं पर ऐसा नहीं है देखिए दोस्तों वेटलैंड्स और ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो वेटलैंड्स में थोड़ा बहुत लैंड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा और पानी का भी रहेगा और कई कई वेटलैंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ एक सीजन में बस पानी रहता है ऐसे कई वेटलैंड्स हैं जहाँ तीन चार साल के लिए पानी नहीं रहता है तो आप ये जो नॉर्मल रिवर लेक ओशन यह सबसे वेटलैंड को 100% परसेंट कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है वैसे वेटलैंड्स के आपके मन के अंदर एक आइडिया होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है आप देखिए वेटलैंड्स का अलग अलग टाइप है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा मरीन इकोसिस्टम कोस्टल इकोसिस्टम एक्सेप्ट्स राइट देखिए फ्रेश वाटर मतलब जब रिवर्स वगैरह से पानी जब ओवरफ्लो होता है जब आसपास के एरिया में पानी भर जाता है ठीक है उधर वेटलैंड बन जाता है कभी कोस्टल इकोसिस्टम मतलब सी से जो कनेक्टेड रहता है वो जहां आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह मिलेगा तो ये सारे एग्जांपल से तो देखिए ऑल लेक्स एंड रिवर्स अंडरग्राउंड एक्वीफर्स स्वम्स एंड मार्शेस वेट ग्रासलैंड्स पीट लैंड्स ओएसएस एस्चूरी डेल्टास टाइडल फ्राइल्स, मैंग्रोव्स एंड अदर कोसलेरिया कॉरर लिवस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक आप वेटलैंड्स के कैटेगरी में डाल सकते हो और ह्यूमन मेड साइट्स भी है जैसे कि फिश पोन्ट्स राइस पैडीज जहाँ पैडी कल्टीवेशन होता है रिसर्व सॉल्ट प्लांट्स ये सारे वेटलैंड में डाल सकते हो आप क्योंकि इन सब में उधर का एनवियॉनमेंट एंड एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ को कंट्रोल करने वाला प्राइमरी फैक्टर क्या है पानी है राइट अब देखिए दो देख परसेंट ऑफ अर्थ लैंड सर्फस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों जाएगा ठीक है में ये, सारे आ ये सब जो है एर्थ का का 6 करते हैं। पर देखिए फोर्टी परसेंट ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल और ब्रीड इन दुनिया में जितने प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है उसमें से फोर्टी परसेंट का लाइफ ब्रीडिंग वगैरह वेटलैंड्स में होता है तो वेट्स आर वेरी इंपोर्टेंट आज दे प्रोवाइडेंशियल सर्विस करना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कुछ एसेंशियल इकोसिस्टम सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है जैसे कि वाटर रेगुलेशन फ्लड कंट्रोल वाटर प्यूरिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब दोस्तों वाई वेटलांट्स आर क्रूशल फॉर ए हेल्थी प्लान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा सबसे पहला 40 ये आपको पहले ही बता दिया दुनिया में जितने प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है ऊपर से फोर्टी परसेंट ऑफ एनिमल्स जो है वेटलैंड्स में ब्रीडिंग करते हैं फिर देखिए किडनीज ऑफ द अर्थ ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि दे क्लीन द एनवायरमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स देखिए होता है क्या ना दोस्तों वेटलैंड के ऊपर जो पानी है वो बहुत स्लो मूविंग रहता है तो इसलिए पानी में जितना टॉक्सिक कॉम्पोन्ड्स वगैरह है ये वेटलैंड्स में आते आते ब्रेक डाउन होता है बेसिकली कई सारे केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वेटलैंड्स के पानी में इस वजह से जितने भी टॉक्सिक कॉम्पोन्ड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस तरह वो एनवायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है फिर दे मैटर फॉर क्लाइमेट चेंज ऑल्सो क्योंकि देखिए दोस्तों लैंड बेस्ड जितना कार्बन है उसका थर्टी परसेंट वेटलैंड स्टोर करते हैं राइट right? फिर देखिए इट मिनिमेस डिजास्टर रिस्क ऑल्सो फ्लड्स वगैरह होता है ना दोस्तों तो मैक्सिमम पानी जो है ये वेटलैंड्स वेटलैंड करते हैं क्योंकि वेटलैंड्स में पानी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है तो इस तरह स्टॉर्म सर्च को भी रिड्यूस करने में या फिर जितने एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स वगैरह होता है उसकी जो इंपैक्ट कम करने में वेटलैंड्स मदद करते हैं अब दोस्तों व्हाट आर द डेंजर्स फेस बाई वेटलैंड्स

उसका रीजन्स तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सच ड्रेनेज पोल्यूशन ओवर फिशिंग ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इन्वेसिव स्पीशीज से भी इनको प्रॉब्लम हो जाता है इन्वेस्व स्पीशीज मतलब क्या है देखिए ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से रिलेट नहीं करते हैं ये प्लांट्स हो सकता है एनिमल्स हो सकता है ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होने से उधर के जो नेटिव स्पीशीज है उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इस तरह की इन्वेसिव स्पीशीज से भी वेटलैंड्स को प्रॉब्लम है एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज से तो प्रॉब्लम होगा ही आप दोस्तों रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स वैसे ये कन्वेंशन अडोप्ट हुआ था 1971 में एंड केम इन डू फोर्स इन 1975 ये किससे रिलेटेड है आप सबको मालूम है इट इज़ द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स देखिए वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए लोकली नेशनली इंटरनेशनली क्या क्या कॉपरेशन होनी चाहिए वो सब इन्श्योर करने के लिए रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था अब इस कन्वेंशन का थ्री मेजर पिलर्स कौन कौन सा है एक तो वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज यूज वाला शब्द आपको यूज करना है वाइज एंड लॉजिकल यूज करना है वेटलैंड्स का कभी भी ऐसा यूज नहीं करना है ताकि अगले जनरेशन के लिए कुछ बचा ही ना हो तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमें इंश्योर करना है एंड डेसिग्नेट सुइटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऐसे जो वेटलैंड्स है जो ज्यादा थ्रेट में है उसे डेसिग्नेट करके उसे इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ करना चाहिए फिर इंटरनेशनली ऑन ट्रांसपाउंड्री वेटलैंड्स शेड वेटलैंड सिस्टम एंड शेड स्पीशीज देखिए जितने भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आता है जो ट्रांसपाउंड्री वेटलैंड वगैरह होता है उसके कंजर्वेशन के लिए जितने भी इंटरनेशनल कॉपरेशन है वो भी इंश्योर करना है उसके साथ साथ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ ये रामसार

केलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान हरीगे लेकिन पंजाब लोकताक लेकिन मणिपुर बोला लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा टोटल जो एरिया 7.7 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है ठीक है और 4.6 परसेंट ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा रामसा साइट्स जो है हमारे देश में है एंड मई टू में जो लेटेस्ट रामसा साइट्स की बात मैं कर रहा हूँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों हरियाणा में है इन्हें रामसा साइट्स करके डिक्लेयर किया था एंड लेटेस्ट इसी हफ्ते में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एंड खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात को भी रामसा साइट्स करके डिक्लेयर किया है तो ये जो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात है वो फोर्टी नाइन रामसा साइट ऑफ इंडिया है ये भी आप ध्यान दीजिएगा दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों लक्ष्य का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाई है